हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं पहले की तरह ठीक ही होंगे। तो आपका भाई आ गया है फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक देखेगा और साथ ही साथ एंजॉय कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, गॉडल और सोल के बीच में अभी पैन कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो कि स्क्रीन मैचेज में भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम एक दूसरे को टारगेट पर लेकर खेल रही है स्क्रीन मैचेज। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि सिद भाई ने सोल के प्लेयर्स को क्या सब समझाया है, और साथ ही देखेंगे सोल के प्लेयर्स लास्ट टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उनको वैकेशन में भेज दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, आई एज एन टीम सोल विल नॉट प्ले टिल द 19th. आई हैव सेंट देम फॉर अ वेकेशन. दे आर गोइंग टू गो टेक अ वेकेशन बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू नो व्हेन द टीम नीड्स टू रीसेट. तो जैसा कि सिद्ध भाई ने बोला, सोल की टीम को रिसेट और रेस्ट करने के लिए उनको वेकेशन में भेज दिया गया, जो कि जल्दी वापस आ जाएंगे 20 मार्च तक। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्लिप पर, जिसमें आप देखेंगे कि सिद्ध भाई ने सोल के प्लेयर्स को क्या सब समझाया आगे के टूर्नामेंट्स के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। मेरा लाइफ जीने का तरीका एंड द वैल्यूज दैट आई इंस्टिल इन माय प्लेयर्स एंड पीपल अराउंड मी, जो मेरे को चाहिए कि हो, इज आई वांट माय प्लेयर्स टू फोकस ऑन विनिंग, नॉट बीटिंग समबडी एल्स. क्योंकि जब आप किसी को हराने पे फोकस हो जाते हो ना, तब आपका फोकस वो एक बंदे पे चला जाता है, और उसमें क्या होता है पता है, कि आपके जो पीछे वाले हैं ना, वो आपके आगे निकल जाते हैं. तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।